बैठल पड़ जा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का पहले हेलीकॉप्टर कहीं सभा में कोनो जिला में उतर जाए तो जनता हेलीकॉप्टर में देखे खातिर 20-25 हजार चल जाते। और ये कलयुग है, घोर कलयुग, यहाँ पत्रकार हेलीकॉप्टर लेके घूमत रहो, पत्रकार हेलीकॉप्टर लेकर के क्या हैसियत है पत्रकार की हेलीकॉप्टर लेके घूमने की, और यहाँ पत्रकार हेलीकॉप्टर लेके घूम रहे थे। ये देश की जनता के गाढ़ी कमाई का वो टैक्स जो सरकार के खजाने में है उसका इतना भयंकर दुरुपयोग, जनता ने फैसला सुना दिया। हयादार होते लोग तो मोदी को तो हट जाना चाहिए था, जिसने नारा सदन में दिया था अब की बेर 400 पार, और जनता जब 240 पे कह दिला तो सहुरगर रहता तो कहता कि हमार तो पिंसिन हो देते जा भले के दूसर पर। लेकिन उसके बावजूद तमाम तरह का षड्यंत्र करके, और चलिए ठीक है आपके गठबंधन में है चंद्रबाबू नायडू, आपके गठबंधन में है नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बैसाखी पर आपकी सरकार खड़ी है। अब मनमाना तो आप नहीं कर सकते, आप जैसे अकबर आजम का राज हो, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जो सोच लिया वही कर दिया वही बोल दिया, अब तो ना हो। संविधान है देश में, एगो पत्रकार बंधु कल्याण से कहूँ कि जहिया शपथ ले प्रधान जी प्रधानमंत्री का तहिया मोदी जी संविधान के अंदर कपड़ा पे लगेला, हम कहे काहे लगेला, पागे रहता से 400 से वो पार तो फूक देने रहता संविधान। अब तो गंजे को नाखून ही नहीं मिला, अब क्या कर सकते हैं 240 में, इसलिए उसको सर से लगा लिया। संविधान पे संकट था और देश की जनता ने इनको इस लायक नहीं छोड़ा कि अपना पैर पे खड़ा हो सके। 272 ना मिलल, 272 हो गए लेट, सही हो गए लेट कि कम से कम अपन सरकार बना लो ना, तू बैसाखी पे रहो, आ एगो बैसाखी ना दू तीन गो बैसाखी, और बैसाखी की सरकार है, दोनों की मानसिकता आपको पता है, दोनों कोई टुटपुलिया नेता नहीं है, नौछिटिया नेता नहीं है, दोनों इनसे ज्यादा परिपक्व है, एक से एक अभी सनिचर